शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर गुरुवार को शहर के अग्रसेन चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने आंदोलन किया गया। स्वप्निल खापेकर और स्वप्निल अहिरकर इनके नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग की है। अगर मांग जल्द से जल्द पूरी ना हुई तो भव्य आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। नरेंद्र मोदी यांच्या सरकार ने पेट्रोल चे दाम वाढवले आहेत, डीजल चे दाम वाढवले आहेत, याबद्दल आम्ही निषेध करतो आणि नागपूर शहरामध्ये सुद्धा आम्ही तीव्र आंदोलन करू आणि असंच आम्ही सांगत होतो की राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तर्फे हरहरी हर घर घरी आम्ही जाऊन सांगतो की पेट्रोलचे दाम वाढवलेत आणि यांनी विजेच्या बिलवर आम्ही आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करू आणि पेट्रोलवर आंदोलन करण्याचा यांनी एक भी निर्णय घेतला नाही। म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तर्फे नागपूर शहरामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दामावर आम्ही कठोर आंदोलन करू आणि जिथे जिथे आंदोलन करण्याची आम्हाला तयारी असेल करू, आम्ही तिथे तयारी होऊ। आज की स्थिति ऐसी है कि आदमी के पास काम नहीं, काम है तो उसके पास 2 रुपया ज़्यादा नहीं आ रहा, और ऐसे स्थिति में सरकार को ये देखना चाहिए कि इसके इनके खर्चे कम हो। और ये स्थिति में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, खासकर डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अपना अनाज जो अपने घर में आता है, अपने घर में जो हर चीज़ लगती है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, और वो एक्सपेंसेस बढ़ने से आज की स्थिति में ऐसा है कि हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए और हमारी इनकम कम है, इससे आदमी को परेशानी होगी। तो क्या हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है नरेंद्र मोदी सरकार को कि ये टाइम में लोगों को मदद करने के बजाय आप ये सब रेट बढ़ा के और कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये आपकी कैसी सरकार है जिसमें लोगों को और कष्ट मिल रहा है? हमारी आपसे एक विनंती है, और अगर आपने ये विनंती सुनी नहीं तो एक ये बड़ा आंदोलन होगा और आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने ही होंगे। आज सर्व विश्वामध्ये जगामध्ये कच्च्या तेलाचे भाव जे आहे ते नीचांकावर आहे। फक्त भारतच एक असा देश आहे की ज्याच्यामध्ये जागतिक स्तरावर एवढे कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यानंतरही एवढे डिझेलचे आणि पेट्रोलचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे। ही केंद्र सरकारसाठी हास्यास्पद भाग आहे। हे लोकांनी विचार करायला पाहिजे, सरकारनी केंद्र सरकारनी या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे आणि जनतेला होणारा त्रास कुठेतरी हा थांबवायला पाहिजे। असं जे सुरू राहील तर जनता त्राही त्राही होईल, क्राईम माजेल, महागाई वाढेल आणि मोठे मोठे आंदोलन होतील। या गोष्टींची दखल केंद्र सरकारने आता घ्यायलाच पाहिजे। धन्यवाद।